हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा और पाची। ये इकट्ठे बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें डलेगा थोम और नमक और मोटी इलायची जब हम इसको बॉईल करेंगे। ये खाने में बहुत यम बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन कमाल का रहता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी राजमा को 2 से 3 घंटे डीप कर दिया था। अभी डीप की हुई राजमा को मैं बॉईल करने जा रही हूँ। इसको डाल दिया कुकर में और इसमें डाल दी हमने अपने पाचे जो हमने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, धोए हुए हैं, और लहसुन का जो हमने कूट के रखा हुआ था चूरा वो डाल दिए। इसमें हमने 2 मोटी इलायची भी डाल दी है और अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक हमेशा ऐड बॉइलिंग पॉइंट पे हमेशा ऐड कर देना चाहिए किसी भी चीज़ में, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और कम से कम मैंने 1 जग भर के पानी डाला है और ये सारे इतना पानी डालो कि सब डिप हो जाए बीच में। उसके बाद आपने विसल्स लगाने, अच्छे से विसल लगाने ताकि ये इस तरीके से गल जाए जैसा कि आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल राजमा भी सॉफ्ट हो गया है और पाचे भी सॉफ्ट हो गए। हमने ऑयल अपना ले लिया है, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता बिकॉज पाचों का अपना भी बड़ा ऑयल निकलता है। और इसमें लहसुन ऐड करनी है, जब प्याज डार्क ब्राउन हो गया तो लहसुन ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसमें टोमेटोज जो कि हम फाइनली चॉप्ड होंगे वो डाल देने हैं। इसमें हमने 2 टमाटर लिए हैं और 1 बड़ी प्याज ली है और 6 से 7 गुलियां हमने लहसुन की ली हैं क्योंकि कुछ लहसुन हमने पहले इसको बॉइलिंग पॉइंट पे भी डाल दिया था। अभी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है 1 टेबलस्पून एंड 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं, बाद में भी करेंगे और इसलिए अभी भी 1/2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे गले हुए पाचे ऐड करने हैं इसमें और जो लास्ट में राजमा बचेगी उसको हमने मैश कर देना थोड़ा सा ताकि मैश जो राजमा है उसका इसमें अच्छे से फ्लेवर बन जाए और वो थोड़ी गाढ़ी बन जाए। और जितना हो सके इसमें पानी ऐड करके इसको बॉईल कीजिएगा और इसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से पक चुके हैं।